बुलंदशहर में बंगाल हिंसा के खिलाफ बुलंदशहर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। आज ज्ञापन देने बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता और बंगाल हिंसा को लेकर कड़ी निंदा की है। भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सवाल इस बात का उठता है जिस तरह से पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन को बनाया गया, लॉकडाउन को लगाया गया, लेकिन खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ही कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से प्रदर्शन करने की इजाजत कौन दे रहा है? देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और उत्तर प्रदेश में खुद बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, कौन अधिकारी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस तरह से धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दे रहा है? कौन इस तरह से धरना प्रदर्शन करने को लेकर कार्रवाई करने को आगे कदम उठाएगा? साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ग्राम पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद कोरोना संक्रमित हुए 3 शिक्षकों की इलाज के दौरान अलग अलग अस्पतालों में मौत हो गई है। शिक्षक नवनीत शर्मा, पुष्पा पुंडीर और राकेश कुमार की मौत हुई है। तीनों शिक्षक बुलंदशहर के अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में सेवारत थे। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार इस तरह की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल है। अब देखना होगा प्रशासन इस तरह के धरना प्रदर्शनों पर कब तक रोक लगा पाता है और जिस तरह से कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।